कि नेत्रदान में पटना सिटी से पूरे बिहार में पहले नंबर पर है और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोगों ने नेत्रदान किया है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि नेत्रदान का संकल्प लें। ये जो आँख के आगे की पुतली जिसको कॉर्निया कहते हैं, अगर मृत्यु के 6 घंटे के भीतर इसको निकाल लिया जाए तो वैसे लोगों को जो दृष्टि बाधित हैं, जिनको कॉर्निया के कारण देखने में कठिनाई होती है, उनको एक नई रोशनी, एक नई जिंदगी मिल सकती है। तो हम लोग का तो नारा है, जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद नेत्रदान देहदान। तो मैं लोगों से अपील करूँगा, ये शरीर तो मृत्यु के बाद जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, इसका तो कोई उपयोग नहीं होने वाला है। मरते ही लोग कहते हैं बाहर निकालो, जल्दी से जल्दी इसको हटाओ। तो उस शरीर का अगर दो कॉर्निया से अगर कुछ लोगों को नई दृष्टि मिल जाए तो शरीर का इससे बेहतर कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विवेक ठाकुर जी, संजीव यादव जी और इनकी जो पूरी टीम यहाँ पर है, इन लोगों के प्रयास से पटना सिटी में और प्रति सप्ताह एक न एक नेत्रदान हो रहा है। तो मैं पूरे बिहार वासियों से अपील करूँगा, और जब हम लोग सरकार में थे हम लोग ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजेस में आई बैंक बनाने का निर्णय लिया था, और मुझे खुशी है अभी लगभग बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में आई बैंक स्थापित हो चुका है। पटना में PMCH, NMCH, IGIMS, 3 जगह तो पटना में स्थापित हो चुका है। तो इसलिए लोग आगे आएँ, और अगर मरने के बाद भी अगर अमर होना चाहते हैं तो आपकी आँखों की पुतलियों से कुछ लोगों को नई जिंदगी, नई रोशनी मिल सकती है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।